औरंगाबाद न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम पूर्व में यहाँ मौजूद है, हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष श्री यूसुफ साहब भी मौजूद है और यहाँ पूर्व के जो उम्मीदवार है श्री राहुल हनुमंत शेवाड़े सर, उनके प्रचार और उनके कार्यालय में यहाँ आए हुए। यूसुफ साहब से पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं कि कैसा काम कर रहे हैं और जनता को क्या आमंत्रण। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और आप काफी अरसे से आप औरंगाबाद शहर के शहर अध्यक्ष हैं सर और कांग्रेस पार्टी में आप बढ़ चढ़ काम करते हैं और वर्करों कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं, तो पूर्व में कैसा काम चल रहा है उस बारे में? अभी हमारा बूथ प्लानिंग चालू है, कल हमने रात में पूरी बूथ प्लानिंग जो इस पूर्व विधानसभा की 322 बूथ है, हम शिवसेना के नेता स्वामी जी, राष्ट्रवादी के कार्याध्यक्ष अभिषेक देशमुख, हमने बैठ किया और उसके बाद पूर्वों की जितने बूथ है तो हमने उसको बायफर्गेट कर लिया है। आज हम बूथ पूरे डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं और सभी बूथ के लोगों को हमने अपील की है कि आपने अभी बांटना है, सीट्स बांटना है, पॉम्पलेट्स देना है, हमारा डोर टू डोर हमारा पदाधिकारी कार्यकर्ता प्रचार करना हमारा सब चालू। इसी सर, आप पूरे शहर के शहर अध्यक्ष है, मध्य में भी अपना उम्मीदवार खड़े हुआ है, तो मध्य में भी कुछ जनता की शिकायतें हैं कि लोग कह रहे हैं कि अभी तक हमारा साहब थोरात का डोर टू डोर मुलाकात नहीं हुई और अभी तक किसी से मुलाकात के लिए आए थे, इस बारे में क्या? नहीं, मध्य के उम्मीदवार हमारे भाजपा सहकारी बाला साहब थोरात सभी पूरे दिन उनकी रैली चालू है, कभी सभी तरफ डोर टू डोर जा रहे हैं, उनकी कॉर्नर मीटिंग चालू है, हर पार्टी के लोग उनके साथ में, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, वाटागढ़, ये सब साथ में उनके काम कर रहे हैं, लोग बोलते रहते हैं लेकिन प्रचार उनका डोर टू डोर चालू है और मध्य से बाला साहब थोरात भी चुनके आने वाले उम्मीदवार हैं। इसी सर, मध्य में बाला साहब थोरात का कार्यालय कहाँ पर है? अगर जनता मध्य ही संपर्क करना चाहती है, अगर कुछ परेशानी आती है, वोटर लिस्ट में नाम वगैरह में आता है, तो कहाँ पर संपर्क कार्यालय का? उनका कार्यालय जिला परिषद के सामने है, उनका ऑफिस है, अम्बा अफसर को लखी उनका कार्यालय, प्रचार कार्यालय, किसी को भी अगर किसी को दिक्कत है वो अपना कार्यालय में जाके वो संपर्क कर सकते हैं। इसी सर, अभी दिल्ली से भी पार्टी के प्रवेशक यहाँ पर आए हुए हैं, तो कौन सर आए हुए इस बारे में? अब ये वो भी यहाँ पर देखने वाले हैं, थोड़ा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कांग्रेस के हर नेता यहाँ पे औरंगाबाद शहर में विधानसभा में है, सचिन पायलट हमारे यहाँ के मराठवाड़े के ऑब्जर्वर है वो भी यहाँ पर है, हमारे उत्तम कुमार रेड्डी जो तेलंगाना के मंत्री है वो भी यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ पर वो भी इस मराठवाड़े में औरंगाबाद में घूम रहे हैं, हर जगह से हम कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी इस महाराष्ट्र में किस तरीके से सरकार बनाए उसका नियोजन और प्लानिंग चालू है और लोगों ने तय कर लिया है इस बार महायुति को हराना है और महाविकास आघाड़ी सर महाविकास आघाड़ी के लिए करोगे आपने जनता से क्या अपील करें? मैं सभी इस औरंगाबाद शहर तरफ से जनता से अपील करता है कि नफरत को हराना है और मोहब्बत को जिताना है, इसलिए कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी के जाजा उम्मीदवार हैं, हमारे पश्चिम में राजू सिंधी निशानी मशाल है, हमारे मध्य में बाला साहब थोरात निशानी मशाल है और हमारे पूर्व में कांग्रेस के उम्मीदवार लहूजी शेवाड़े जिनकी निशानी पंजा है, ये सभी वोट देंगे, वो भारी अक्षर से कामयाब करें, ऐसे में जनता से विनती करता हूँ। औरंगाबाद महानगर पालिका के सभी अपोजिशन लीडर जफर साहब भी, डॉक्टर जफर सर भी मौजूद है और दिल्ली यूपी के जो इंचार्ज है सैयद सर भी हमारे साथ में दिल्ली से यहाँ आए हुए हैं औरंगाबाद में, सैयद सर से भी पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और अभी हमने दर्शकों को बताया कि आप यूपी से आए और दिल्ली से आए और यूपी के इंचार्ज है, तो यहाँ औरंगाबाद में जब आए सर तो वहाँ विकास आघाड़ी का काम वगैरह यहाँ पर उसके हक में जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं कैसा महसूस? सबसे पहले तो मैं औरंगाबाद जिला के सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों को आदाब नमस्कार और सत श्रीकाल कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का फुल फ्लेज इंचार्ज हूँ तो मेरे लिए यहाँ का माहौल उत्तर प्रदेश से काफ़ी बेहतर लग रहा है। मुझे पता है क्योंकि मैं रहने वाला बिहार का हूँ, वहाँ जो महाविकास आघाड़ी जो शब्द है तो आघाड़ी का मतलब बिहार में आगे होता है, भोजपुरी में आघाड़ी मतलब आगे होता है और आपका जो युति महायुति जो आप पार्टी जो दूसरे अपोजिशन में जो अभी सरकार बना के रखी हुई है, युति का मतलब एक दूसरा शब्द अति होता है, अति का मतलब अंत, वो लास्ट कर दिया इन्होंने, बदतमीजी की हद कर दी, दात पात की हद कर दी, डेवलपमेंट का कोई काम नहीं है, इनके पास कोई विज़न नहीं है, हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा इनके पास दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
तो कितना करारा जवाब महाराष्ट्र ने दे दिया, इलेक्शन का रिजल्ट तो आ गया। जब उनके अपने अलाइज ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये नहीं चलेगा, कटोगे बटोगे, ये खून खराबा काट छाट करना उनकी फितरत है और उनकी बुनियादी चीज है। मुझे जो यहाँ का माहौल ऐसा लगता है, क्योंकि मैं औरंगाबाद जिला का प्रभारी बन के भेजा गया, तो यहाँ नौ में मुझे लगता है कि ये सारी सीटों में हम जीतने जा रहे हैं। कुछ सीट पर शायद मार्जिन कम हो और बाकी के सारे सीटों पर मैक्सिमम मार्जिन लाने की तैयारी चल रही है। हमारे साथ यहाँ के अध्यक्ष जी बैठे हुए साहब हैं और दफा डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो लोग यहाँ के बड़े बुनियादी और मजबूत लीडर लोग हैं। इनकी इनसे लोगों को इतना मोहब्बत है, मैं इनके साथ जहाँ भी जा रहा हूँ तो किसी के दिल दिमाग में हिंदू मुस्लिम वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तो इनकी अपनी मेहनत है, इनकी अपनी तपस्या है कि इस शहर को इतनी अच्छी जीत मिलने जा रही है। सर, आपने बताया कि आप काफ़ी अच्छे से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपके पास पदवी है, अल्पसंख्यक समाज से भी आते हैं सर, तो महाराष्ट्र में जनता में एक नाराजगी है कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर या कहो कि नज़रअंदाज किया अल्पसंख्यक समाज को। अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस की विकास महाविकास सरकार आती है तो हमारे औरंगाबाद शहर की जनता की डिमांड है कि हमारे यूसुफ साहब को भी कोई एक पद वगैरह मिलना चाहिए, जैसे एजेंसी होगी या दूसरा कोई पद मिलना, तो क्या आप अल्पसंख्यक समाज की आवाज़ उठाएंगे? हम बेशक, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूँ, कांग्रेस पार्टी इंसानियत की बात करती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात कांग्रेस नहीं करती है। लेकिन हर दबे कुचले पिछड़े गरीबों और पॉलिटिकल गरीब जिनको कभी कुछ नहीं मिल सका है बड़ा सत्ता में, तो जाहिर सी बात है कि उनकी भागीदारी होगी और इनका ये अधिकार है, इनका ये हक है, इनके लिए मैं भी बात करूँगा। और हमारे आला कमान, उनका विज़न बड़ा स्ट्रांग है, वो कहीं से भी किसी भी कार्यकर्ता को वैसे नहीं छोड़ते हैं, उनकी मजबूती के लिए जितना कर सकते हैं वो करेंगे। और 100% औरंगाबाद को बहुत इज्जत मिलने जा रहा है, आपके यहाँ से शायद मिनिस्टर्स भी बने और मेरे ख्याल से गंगापुर में वहाँ लड़ रहे हैं अपने अलायंस के ही हैं, और जफर भाई, यूसुफ भाई, ये यहाँ के मैंने पहले कहा बुनियादी लीडर हैं, इनको नज़रअंदाज करके औरंगाबाद में किसी भी जात का भला नहीं किया सकता, क्योंकि ये सभी जात के नेता हैं। सर, हाँ, देखने में आया था कि औरंगाबाद शहर में कांग्रेस पार्टी की जो हालत थी बहुत कमज़ोर आई थी, मगर जब से युवा नेता यूसुफ साहब यहाँ शहर अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई, उत्साह कम हुई और जानदार हुई यहाँ पर। मगर खास करके देखा जाता है कि जब भी जब देने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी पीछे हट जाती है, तो इस बार हमारे यूसुफ साहब कुछ मिली ना तो उस बार। सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि संगठन से बड़ा कभी कोई पद होता नहीं है, और यूसुफ साहब इस शहर के आप समझिए DCP से बड़े कमिश्नर हैं, और कांग्रेस का जो कमिश्नर जो किसी भी चीज़ का कमिश्नर होता है उसका कंट्रोल होता है, ऑलरेडी बहुत बड़े पद पर है। और जब सरकार आएगी तो सरकार में भी इनकी हिस्सेदारी होगी और इनके साथ जितने भाई हैं सबको उनके उनके हिसाब से चीज़ें दी जाएंगी।